गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, और आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले इसकी पहचान में होगा आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो। इस तरह के सेंटेंस के आखिरी में, हिंदी में वाक्य के अंत में इस तरह के शब्द आते हैं, इसका मीन्स वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसका टेंस का जो सेंटेंस होगा वो आपके एक्टिव वॉइस में होता है। जब एक्टिव वॉइस होगा तो आपको सीखना क्या है, पैसिव वॉइस बनाना। तो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर फॉलो करता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब काम करती है आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ हैव, ही शी इट और नेम के साथ हैज। अब जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो स्ट्रक्चर काम करेगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस V3 मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जब इसको पैसिव में बनाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब जो हैज और हैव है इनके साथ बीन इंक्लूड हो जाता है, हैज बीन, हैव बीन। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। I have already taken 2 cups of tea. मैं पहले ही 2 कप चाय पी चुका हूँ। अब जब आप इसका पैसिव बनाते हैं तो आपको, जैसा कि इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें इम्पोर्टेंस होता है, पैसिव में इम्पोर्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, जबकि एक्टिव में इम्पोर्टेंस होता है सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर आपको ये आपका होगा ऑब्जेक्ट, फर्स्ट नंबर ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और 2 cups ऑफ टी ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले पुट करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि 2 यहां पर ओनली टी होता तो हैज का, हैज बीन का यूज होता, लेकिन 2 cup दिया है यानी कि प्लूरल नंबर में आता है। तो 2 cups ऑफ टी क्योंकि प्लूरल नंबर होगा तो हैव लगा दिया, बीन कंपलसरी स्ट्रक्चर में आने ही है इसमें, तो बनेगा हैव बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, तो 2 cups ऑफ टी हैव बीन टेकन बाय, जब आई पीछे जाता है तो चेंज होता है मी में, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होगा मी। देखते हैं सेकंड सेंटेंस, द फार्मर्स हैव ग्रोन व्हीट, किसानों ने अनाज उगाए हैं, किसान अनाज उगा चुके हैं। जब पैसे बनाया जाएगा तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट दिया है वीट, वर्ब है ग्रो, ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन। अब आपको पहले ऑब्जेक्ट को पुट करना है तो आ जाएगा वीट, चूंकि अनकाउंटेबल जो भी थिंग्स होती है उनको हमेशा सिंगुलर, एज अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब काम करती है, इसलिए इसके साथ आ जाएगा हैज। तो वीट हैज स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन कंपलसरी है, तो बनेगा वीट हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें दिया है, तो इसका फायदा जब प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनाते हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब वर्क नहीं, ऑलरेडी थर्ड होगा, सेम वर्ब आपको लेना है, तो वर्ब चेंज करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें, तो बन जाएगा वीट हैज बीन ग्रोन बाय द फार्मर, सब्जेक्ट को पीछे पुट करना है।
तो किसानों द्वारा गेहूं उगाया जा चुका है। अब दिया यू हैव वेरीफाइड द अकाउंट, आप अकाउंट वेरीफाइड कर चुके हो या आपने अकाउंट वेरीफाई कर दिया है। तो जब पैसे बनाया जाएगा तो द अकाउंट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। द अकाउंट चूंकि ये सिंगुलर नंबर है, हैज का यूज करेंगे, द अकाउंट हैज बीन लगाना ही है, तो द अकाउंट हैज बीन, हमारे पास थर्ड फॉर्म दिया है ऑलरेडी, तो थर्ड फॉर्म अकाउंट हैज बीन, द अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। अब ये पीछे जाएगा तो यू का यू लिखाएगा। सेंटेंस नंबर फोर्थ, वी हैव स्मेल्ड दीज फ्लावर्स, हम इन फूलों की खुशबू ले चुके हैं, हम इन फूलों की खुशबू ले चुके हैं। अब जब इसमें दीज फ्लावर्स, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, दीज फ्लावर्स हैव, चूंकि प्लूरल नंबर है फ्लावर्स बोला गया है, दीज फ्लावर्स तो प्लूरल नंबर के साथ हैव का यूज होता है, तो हो जाएगा हैव बीन। स्मेल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया तो स्मेल्ड बाय वी का ऑब्जेक्टिव केस होगा अस, जब ये पीछे जाकर लिखाएगा तो हो जाएगा अस। सेंटेंस नंबर फिफ्थ, द गर्ल हैज टाइप्ड द लेटर्स, लड़की यहाँ पे क्या, लड़की पत्र टाइप कर चुकी है या लड़की ने पत्र टाइप कर दिए हैं। तो जब पैसे बनाया जाएगा तो द लेटर्स हैव बीन, चूंकि प्लूरल नंबर है हैव बीन आएगा, टाइप का थर्ड फॉर्म टाइप्ड बाय द गर्ल। लास्ट सेंटेंस इसका होगा, हैज द बॉय थ्रोन द बॉल, हैज द बॉय थ्रोन द बॉल, तो ये एक आपका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव होगा तो आंसर भी इंट्रोगेटिव बनेगा। तो इसमें हैज द बॉल सिंगुलर नंबर है, हैज हेल्पिंग वर्ब काम करेगा, हैज बीन, तो फर्स्ट नंबर हम हैज को पहले रखेंगे, हैज देन आपको रखना है ऑब्जेक्ट, हैज द बॉल देन बीन, थ्रोन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो थ्रोन बाय द बॉय लास्ट में चला जाएगा द बॉय और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमने इसके कुछ एग्जांपल्स देख लिए। अब यदि आपको ये निगेटिव में आता है, इसका निगेटिव बनाना है, तो आपको आई हैव नॉट ऑलरेडी टेकन टू कप्स ऑफ टी, मैं पहले ही दो कप चाय नहीं ले चुका हूँ, निगेटिव, तो फिर आपको इसमें हैव और बीन के बीच में नॉट अप्लाई कर देना है। इसका निगेटिव बनाएंगे, द फार्मर्स हैव ग्रोन व्हीट, तो पैसिव में अब इसका निगेटिव होगा तो यहां नॉट आएगा, द फार्मर्स हैव नॉट ग्रोन व्हीट, पैसिव में व्हीट हैज नॉट बीन ग्रोन बाय द फार्मर्स। यू हैव वेरीफाइड द अकाउंट, तो पैसिव होगा, निगेटिव होगा तो यू हैव नॉट वेरीफाइड द अकाउंट, तो इसका निगेटिव, द अकाउंट हैज नॉट बीन वेरीफाइड बाय यू। वी हैव नॉट स्मेल्ड दीज फ्लावर्स, निगेटिव हुआ तो आंसर भी निगेटिव, दीज फ्लावर्स हैव नॉट बीन स्मेल्ड बाय अस। द गर्ल्स हैज टाइप, निगेटिव बनाएंगे तो द गर्ल हैज नॉट टाइप द लेटर्स, आंसर होगा द लेटर्स हैव नॉट बीन टाइप्ड बाय द गर्ल। तो इस तरीके से ये निगेटिव बना देंगे, और यदि इंट्रोगेटिव आता है तो इंट्रोगेटिव में हैव आगे आ जाएगा, इसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब है उनको आप शुरू में लगा देते हैं तो ये सेंटेंस आपका यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव बन जाता है। जब इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाया तो इन सभी में आपको क्या करना है, ओनली ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है इनको शुरू में लगा दें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये इसका पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव में बन जाएगा। इंट्रोगेटिव में पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये पैसिव वॉइस टेंस के कंप्लीट होते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों।
और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।